2016 के ज्योग्राफी ऑल पेपर सॉल्यूशन की, जहां पर हम 6 मार्क और 15 मार्क की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि 100 शब्दों में या 50 शब्दों में कैसे उत्तर को लिखा जाए। इससे पहले हम पुराने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं पेपर के, सो आप जो हमारे प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी ओल्ड पेपर सीरीज वाली, उसमें जाकर आप उन क्वेश्चंस को जरूर देख सकते हैं। इससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कि एमबीबीएससी को लेकर सबसे सस्ता पेड कोर्स आपको मिलेगा हमारे पीएससीएडा साइट पर, और हमारे बहुत सारे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है इकोनॉमी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के, आप जाकर उन्हें जरूर देखिएगा एक बार, और उसके बाद आप खुद तय करेंगे कि हमें ये कोर्स क्यों लेना चाहिए। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव, पीडीएफ, नोट्स और बहुत सारे फीचर्स हमारी तरफ से अवेलेबल होंगे, सो उन्हें जरूर आप विजिट करिए। लौटते हैं हम हमारे प्रश्न की तरफ, और प्रश्न था कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट की प्रमुख विशेषताओं तथा उनके निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया है, और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट आप में से बहुत सारों को पता होगा, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, इनके बारे में जो पता है वो आपको सीधा सा लिखना है, इनके बारे में कोई विशेष जानकारी भी होती नहीं है, एक सिंपल सा है। और अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्थलाकृतियां पढ़ते हैं तो भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियों के अंतर्गत आता है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, तो इनकी विशेषता और इनके निर्माण की प्रक्रिया ये हमें लिखना है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं, कैसे हम लिखेंगे। हमेशा की तरह मैं जो कहता हूँ कि आपके डायग्राम तो जरूर होने चाहिए, तो जो आपके डायग्राम है वो यहाँ पर आप कुछ ऐसे बनाना है, तो डायग्राम आप बिल्कुल नॉर्मल सा बना सकते हैं कि जो ऊपर से लटकते हैं वो स्टेलेक्टाइट और नीचे से जो ऊपर की तरफ जाते हैं गुफाओं में उन्हें कहते हैं स्टेलेगमाइट। इसके अलावा ये जो अगर दोनों मिल जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, कंदरा स्तंभ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी विशेषता क्या है, तो वही ये कहाँ पर पाई जाती है यही इनकी विशेषता है। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट कास्ट प्रदेशों में बनने वाले की स्थलाकृति है। कास्ट प्रदेश वे होते हैं जहां पर अक्सर भूमिगत जल से जो भी स्थलाकृतियां बनती वे सारे कास्ट प्रदेश कहलाते हैं, जो भूमिगत जल के फलस्वरूप कंदराओं यानी कि गुफाओं में निर्मित होती हैं। ये दोनों स्थलाकृतियां आधार एवं छत से सटकर स्तंभ के रूप में निर्मित होती है, जिसका प्रमुख कारण चूना मिश्रित जल है। तो ये हमने इनके बारे में विशेषताएं बता दी। हालांकि इनकी विशेषताएं और निर्माण प्रक्रिया कोई ज्यादा भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर शुरू में एज इनकी के हमने क्या लिख दिया, विशेषताओं के रूप में लिखते हैं। अब बस इनके बारे में जानकारी जो है ज्यादा उपलब्ध है भी नहीं, आपको इतना ही लिखना है, और स्वाभाविक सी बात है आप जो 100 में लिखेंगे तो 6 में से 4 नंबर मिलने की संभावना अधिकतम हो जाती है। तो स्टेलेक्टाइट की हम बात करें तो ये कंदराओं की छत से आधार की ओर लटकी होती हैं, जिनकी लंबाई नीचे की ओर बढ़ती है। ओके, यहाँ पर ये लंबाई है, तो जिनकी लंबाई नीचे की ओर बढ़ती है, तो स्टेलेक्टाइट जो होते हैं वह जो चूना धीरे धीरे टपकता है गुफा में तो उससे क्या होता है, वो नीचे की ओर बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम स्टेलेगमाइट की। तो स्टेलेगमाइट जो है इसका क्या है, ये स्तंभ आधार से छत की ओर बढ़ते हैं, बस इसमें सिंपल सा है कि ये यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर निर्माण प्रक्रिया तो क्या लिखना हमें, क्योंकि वैसे हम लिख चुके हैं कि जो मिश्रित चूना जल है उससे बनता है, यहाँ ऊपर लिखा है हमने, तो ऐसा कोई यहाँ पर आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट दोनों के मिलने के फलस्वरूप कंदरा स्तंभ बनता है। सो शब्दों में हमारा उत्तर यही है। और एक चीज और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर 100 में पूछा गया तो 100 में ही लिखें, अगर आप अपनी बात 80 शब्दों में भी रख देते हैं तो भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। अगर यही उत्तर 50 में पूछा जाता आपसे तो 50 में तो और अच्छे से लिखा जा सकता था, ये आप डायग्राम बना सकते थे यहाँ पर, और उसके बाद में सीधा ये लिख सकते थे कि यहाँ पर ये वाला इतना सा लिख कर कि ये यहाँ से यहाँ तक आप इतना लिख सकते थे 50 में कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट कास्ट प्रदेशों में बनने वाले की स्थलाकृति है, जो भूमिगत जल के फलस्वरूप कंदराओं में निर्मित होती है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद में हम बात करें तो फिर स्टेलेक्टाइट के बारे में सीधा सा आप यहाँ पर नीचे लिख सकते थे पॉइंट बनाकर कि ये कंदराओं से छत के आधार की ओर लटकी होती है बस, और स्टेलेगमाइट में ये आधार से छत की ओर बढ़ते जाते हैं, इतना सा लिखते हैं तो 50 में भी आपका उत्तर क्या होता, बेहतरीन तरीके से लिखा जा सकता था। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ इस उत्तर के माध्यम से मैं आपकी बेहतर मदद कर पा रहा हूँ, और चिंता कोई बात नहीं है, 2018 तक के मैं आपके ज्योग्राफी के सारे पुराने प्रश्न पत्र हल करवा दूंगा। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, आप सभी का धन्यवाद।